गाइस, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक म्यूजिक सिस्टम है जिसका नेम है म्यूजिक जैम प्लेमेट। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में जो डिटेल्स होगी उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, तो बने रही है हमारे वीडियो के साथ। तो गाइस, हम इसको खोलने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं इसमें क्या है। तो गाइस देखते हैं, इसमें निकलते हैं दो स्टिक जिनका अभी यूज करेंगे इसमें। गाइस और देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड, इसमें क्या है ये तो। तो गाइस ये निकल चुका है, अब इसको देखते हैं इसमें और देखते हैं क्या है। एक इसमें ये ईयरफोन है शायद, इससे कनेक्ट करते हैं दूसरी डिवाइस से। और गाइस देखते हैं इसमें, और गाइस कुछ नहीं है इसमें। तो इसको गाइस देखते हैं, अब इसको स्टिक भी गिर गए हमारे नीचे। तो शानदार सी चीज़ आपके सामने गाइस, देख पा रही हो आपको कितनी बड़ी है। तो गाइस सब इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसकी इस ईयरफोन को भी साइड में फेंकते हैं और इसको ऑन ऑफ के ये बटन दिए गए हैं, इसमें ऑन ऑफ होता है यहाँ से। और इसमें दो स्पीकर भी है, एक ये एक इधर, और इसमें पीछे की साइड में सेल डलते हैं जिनको भी डालते हैं और इसकी क्या क्या फीचर्स हैं उसको देखते हैं। तो गाइस इसके सेल के निकालने के लिए इसको निकालना होगा, तो मैं इसको निकाल। तो गाइस हमने इसको निकाल लिया है और इसमें चार सेल डलते हैं, इन सेलों को डालते हैं। अभी हमारे पास चार सेल हैं इसके लिए, इन सेलों को डालते हैं इसमें। मुझे पता नहीं था इसमें सेल डले आएंगे या नहीं डले आएंगे, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा में सेल लेके रखे थे। इसमें अगर बाई चांस नहीं हुए तो मैं डाल लूँ, तो मुझे नहीं मिले इसमें तो मैं सेल डालता हूँ। तो गाइस हमने सेल लगा लिए हैं इसमें, और इनको लगाते हैं। अब इसको ऑन करते हैं, सुन ली आपने आवाज इसकी। देखते हैं इसमें क्या फीचर्स है इसके सामने। तो गाइस आपने सुना इसकी आवाज कितनी शानदार चीज है। गाइस और इसको चेक करते हैं इसमें, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ आवाज करेगा वैसे भी। इसमें यहाँ पर ये रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है, जैसे भी हम बजाते हैं इसको उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में इसको एक रिदम में सुन सकते हैं। और यहाँ पर प्लेबैक का बटन दिया गया है, जैसे कि इसमें डेमो के लिए ऑप्शन होते हैं उसको बजा के तो उनको सुनते हैं, उनको यहाँ से बंद कर सकते हैं। और इसमें ये नीचे पियानो के पूरे फंक्शन दिए गए हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसकी आवाज़ में सुन सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसकी आवाज़ में सुन सकते हैं। इसमें चार पांच छह फंक्शन दिए गए हैं, इनको सिलेक्ट करके इसकी आवाज़ में इनको अलग अलग बजाया जा सकता है। और गाइस इसके ऊपर यहाँ पर एक वॉल्यूम डाउन का बटन दिया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम अप का बटन दिया गया है, उसके बीच में स्पीकर का सिस्टम है पूरा इसका। और गाइस आवाज़ आ रही है उसकी, और उसमें गाइस ऊपर इसको करते हैं बंद, ऊपर की तरफ ये तबले वगैरह दिए थे, इनको उन डंडों की सहायता से बजाया जाता है। अब इनको ऑन करते हैं, इनके पूरे फीचर्स को अपन देखते हैं क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे बजेगा। तो गाइस इसको रखते हैं इधर, ऑन करते हैं। तो गाइस इसको सॉरी बंद हो गया, यहाँ से इसका डेमो का ऑप्शन दिया गया, डेमो को ऑन करते हैं तो डेमो चालू हो जाता है। आप सुन लो, इसको करते हैं बंद, मतलब एक ही बार में काम कर रहा है इसका, मतलब कोई एक ही बार में यूज हो रहा है इसका। मुझे लगा कि इस प्रकार से काम नहीं कर पाएगा, काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है, जहां पर क्लिक करते हैं वहां पर वो की काम करती है। अब इसमें फर्स्ट वाला ये ऑप्शन है, इसको ऑप्शन को क्लिक करते हैं, अब इसमें बजा के देखते हैं क्या क्या अलग अलग आवाज आती है। आपने गाइस आवाज, अब दूसरी म्यूजिक है उसको करते हैं चालू, अब इसको चेक करते हैं। आपने आवाज सुनी गाइस, थर्ड को ऑप्शन को क्लिक करते हैं। पता नहीं कहां से म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है अलग प्रकार का, इसी को दोबारा से चेक करते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन है उसको क्लिक करते हैं, इसको चेक करते हैं।
गाइस मुझे बजाना आता नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझ जाइए क्या क्या सिस्टम दिख रहा है इसमें। गाइस फोर्थ ऑप्शन के बाद एक और ऑप्शन है, इसको भी क्लिक करते हैं, इसको चेक करते हैं। गाइस इसमें से एक म्यूजिक सा पता नहीं कहाँ से क्लिक हो जाता है, कैसे बजने लगता है समझ ही नहीं। इधर मैंने आपको बताया वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, मतलब कि काम कर रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से काम करेगी। इसमें डेमो भी दिखाई दिया मैंने, डेमो प्ले कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ऐसे कि देखो मैं बजा के बताता हूँ उसको, रिकॉर्ड को आपको सुनाऊंगा। पहले रिकॉर्ड का क्लिक करते हैं, चालू। अब प्ले करते हैं इसको, तो गाइस इसमें मैंने रिकॉर्ड किया, उसी के साइड पास में प्लेबैक का बटन दिया गया, रिकॉर्ड क्लिक करने के बाद प्लेबैक कर देते हैं, तो अब हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो आवाज़ चेस में दोबारा से आने लगती है, प्ले हो जाता है। इधर डेमो का बटन है, उससे डेमो देख सकते हैं क्या क्या डेमो में सिस्टम है। एक ऐसे इनका दोनों का पता नहीं क्या है, ये कुछ काम करते हैं या नहीं करते, मैंने क्लिक करके देखा कुछ काम नहीं कर रहा है। तो गाइस हम पीछे की तरफ देखते हैं इसमें, ऑन कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर जो बैंड का सिस्टम है उनको, आवाज कर ले डाउन ऑफ ऑन। लिम ज्यादा कर लिया, दो स्टिक हैं मेरे पास, इनसे इनको बजा के चेक करूंगा मैं कैसे कैसे आवाज आती है आपसे। इसका भी डेमो दिया गया, डेमो देखते हैं पहले क्या है। तो गाइस बच्चों के लिए एक नंबर चीज है, इसे बच्चे टाइम पास कर सकते हैं। इसको करते हैं स्टॉप, स्टॉप का बटन दिया गया, एक ही क्लिक में काम हो रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो गाइस इसको देखते हैं, ये बयाना नहीं आता, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आएगी आपके, मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस और देखते हैं इसमें क्या, ये बयाना नहीं आता, समझ रहे हो। इसको करते हैं अब ऑफ, इसके हमने जो भी फीचर्स वगैरह देख लिए है गाइस, अब आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जिससे आप इसको परचेज कर सकते हैं। और हमें आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर चैनल पे आ गए हो तो उसको सब्सक्राइब ही करके जाएं, क्योंकि गाइस अब इस आगे आपके लिए शानदार सी वीडियो लाते रहेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें कुछ अच्छा नया आएगा जो आपके काम का हो सकता है शायद, इसीलिए हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। थैंक यू गाइस।